हाट अंतर्गत कारूडी लूट के बाद हत्या मामले का आज पुलिस ने किया उद्भेदन। बता दें कि एसआईटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए बांका के अमरपुर थाना अंतर्गत लूटी गई लाल रंग की अपाचे गाड़ी को बरामद करते हुए घटना में संलिप्त अपराधी 22 वर्षीय शुभम कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दी। गति को बड़ा चुना जे जहाँ वीडियो बना होला मंदिर अपलोड ले जहाँ विष्णु दा को गोल दी अपराधी को बेटा को साफ कि अड़ी लगन उनको सजा को माओ को नितो दो फांसी का फंदार को ये को और बड़ा नमक जे उनको तो एक डकात को थेकना बांग्लादेश वाला और इंडिया रही कितन को गाण पका को मारा थे लड़वा नितो उनकिन बारे जहार के हेना केना इन निये के आसो कना जे उनकिन उसेरे को साप किन और खा उनकिन रोगा चदा आड़ा आबार कोई कुछ किन गोय को हा पैसा लोप ते लाड़ा उनकिन अपाची गाड़ी मोबाइल को किन अतकिर के तेया लड़ाई दिन नुकान हड़ते मीटे की मेना लड़ा को तो फांसी दल पे मोको आपको जीवन किन जीवन को पिस्टल को ठुक उनको रोगा डेके से ठुक मारा को होना जहाँ की वीडियो पे निलते अपना जे नुका सपोर्ट मो पे जे विष्णु दा नुतुम ते उनको रोगा ओंडे इनकाउंटर को कारण दा सपोर्ट ओंडे आपको जैसे और को गोय को ओना हिसाब ते आपको ओंडका के इनकाउंटर को होयो तो ठीक है ओना ना कटी झलक के निल चलबुन गे। और 6:23 को रात्रि में पुड़िया हाट को कारूडी ग्राम के पास 3-4 अपराध कर्मियों द्वारा मोटरसाइकिल चालक एक जा रहे थे उनको रोक करके उनके साथ छीनछोड़ किया गया, लूटपाट किया गया और जब उनके द्वारा विरोध किया गया तो उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। ये तो निकाल का गए जे नवा अपडेट है ना पुलिस को लई किदा और अड़ी उसरे के को साप के नाम किन बरे दो तो ठीक गया विष्णु दा नितुम ते। और वहीं से एक शुभम कुमार शाह को जो खैरा ग्राम का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी की गई और उसी के कन्फेशन के आधार पे उसके निशानदेही पे जो इस घटना में दो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुआ था वो दोनों मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। इसमें कुल 3 अभियुक्त थे जिसमें एक की गिरफ्तारी हुई है और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। इन लोगों के द्वारा पूर्व में भी 28/5/23 को पिछले महीने में कुछ घटना घटी थी इसी तरह का ये मोटरसाइकिल जो है सपोर्ट को नाम तो आज को तेह कान को और नितो उन्हीं चलावना चलावन होड़ दो तो बाहर रुड़ा तो ठीक है तीन वीडियो तो निकाल।